गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर रीड किया था जिसका नाम था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसके सारे वर्ड्स एक एक वर्ड्स हमने अच्छे से रीड किए थे और एक्सप्लेन किया गया था। आज हम इसकी वर्ड मीनिंग नोट डाउन करेंगे। लेट्स सी, द फर्स्ट वर्ड इज मीडो, MEADOW, meadow means grassland, GRASSLAND, grassland means घास के मैदान। नेक्स्ट वर्ड है बीट, BEAT, बीट means defeat, DEFEAT, defeat means हराना। थर्ड वर्ड इज चैलेंज, CHALLENGE, challenge means call to run a race, CALL, call, TO RUN, run, RACE, race means चुनौती, किसी को चुनौती देना होता है, चैलेंज करना। आउट ऑफ साइट, OUT, आउट, OF, ऑफ, SIGHT, साइट means cannot be seen, CALLOT, cannot, BEDSEE, cannot be seen means आंखों से दूर हो। जो हमारी आंखों से दूर होगा वो हमें क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, तो वो आउट ऑफ साइट हो जाता है। विजिबल, VISIBLE, विजिबल means that can be seen, THAT, that, CAN, can, BEDSEE, that can be seen means जो दिखाई दे, दिखाई देना। Ashamed, क्या पढ़ेंगे इसको, ashamed, ASHAMED, ashamed means feeling shame, FEELING, feeling, SHAME, shame means sharminda। Addressed, ADDRESSED, addressed means made a speech, MADE, made a SPECH, speech means संबोधित करना, संबोधित करना या एड्रेस करना मींस होता है जैसे आप कोई स्पीच देते हो, जब कोई स्पीच दी जाती है तो वहाँ के जो भी सीनियर्स होते हैं जैसे मैनेजर सर, जब आप स्कूल में स्पीच देते हो टू द प्रिंसिपल, मैनेजर सर, टीचर्स, ये सब संबोधित करना यानी एड्रेस करना बोलते हैं इसको। तो ये आपकी वर्ड मीनिंग है, इसे ध्यान से देखिए। इन सारी वर्ड मीनिंग को एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है, जिससे कि अगर आपको लिखना लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो एक एक वर्ड आप सुन करके इजली आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग है, इसे आप ध्यान से देखें और नोट डाउन करें कॉपी में। और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आंसर चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और क्वेश्चन आपको बुक से नोट डाउन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टॉर्टोइस से टू द हेयर, टॉर्टोइस ने हेयर से क्या कहा। द आंसर इज द टॉर्टोइस सेड डोंट लाफ एट मी, आई कैन बीट यू इन द रेस। टॉर्टोइस ने कहा कि डोंट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ। स्पेलिंग है THE, द टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉइस, टॉर्टोइस सेड, SAID, सेड कॉमा, फिर ये डबल इंवर्टेड कॉमा, डोंट, DON, एपोस्ट्रॉफी टी, डोंट, LAUGH, लाफ, ATS, ME, फुल स्टॉप, आई कैन, CAN, कैन, बीट, BEAT, बीट, Y O U U
द आई एम इन टी एच ई द रेस आर एस ई रेस. सेकेंड क्वेश्चन है वॉट डिड द हेयर आंसर. अब हेयर ने क्या आंसर दिया. द हेयर आंसर इफ यू वॉन्ट ऑल द एनिमल्स टू लाफ एट यू आई एम रेडी फॉर द रेस. हेयर ने आंसर दिया जवाब दिया उसको द टी एच ई द हेयर एच ए आर ई हेयर आंसर्ड ए एन एस डब्ल्यू ई आर ई डी आंसर्ड कॉमा कॉमा लगाएंगे आप फिर डबल कॉमा इफ आई एफ इफ यू वाई ओ यू यू डब्ल्यू ए एन डी बॉन्ड ए डबल एल और टी एच ई द एनिमल्स ए एन आई एम ए एल एस ऑल द एनिमल्स टी ओ टू एल ए यू जी एच द एट ए टी एट यू वाई ओ यू फिर कॉमा आई एम ए एम रेडी आर ई ए डी वाई रेडी फॉर एफ ओ आर फॉर टी एच ई द फ्रेज आर ए सी. द हेयर आंसर इफ यू वॉन्ट ऑल द एनिमल्स टू लाफ एट यू आई एम रेडी फॉर द फ्रेज. द थर्ड क्वेश्चन इज हु वेव्ड द ग्रीन फ्लैग. जो हरा झंडा था वो कौन हिला रहा था कौन दिखा रहा था झंडा. आइए देखिए आंसर. द एलिफेंट वेव्ड द ग्रीन फ्लैग टी एच ई द एलिफेंट ई एल ई टी एच ए एन टी एलिफेंट वेव्ड डब्ल्यू ए वी ई डी वेव्ड टी एच ई द जी आर डबल ई एन ग्रीन एफ एल ए जी फ्लैग. द एलिफेंट वेव्ड द ग्रीन फ्लैग. फोर्थ क्वेश्चन इज हु स्लेप्ट अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे कौन सोया था. आंसर इज द हेयर स्लेप्ट अंडर द ट्री टी एच ई द एच ए आर ई हेयर एस एल ई पी ई स्लेप्ट यू एन डी ई आर अंडर टी एच ई द टी डब आर डबल ई ट्री द हेयर स्लेप्ट अंडर द ट्री. द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वॉन द रेस. रेस कौन जीता था. द आंसर इज द टॉर्टोइज वॉन द रेस. आपको पता है कौन जीता था रेस. टॉर्टोइज टी एच ई द टी ओ आर टी ओ आई एस ई टॉर्टोइज डब्ल्यू ओ एन वॉन टी एच ई द आर ए सी ई रेस द टॉर्टोइज वॉन द रेस. तो बेटा ये आपका क्वेश्चन आंसर है इसे आप ध्यान से देखिए. और एक बात ध्यान रखिए जितना वर्क जो भी वर्क मैं बोलती हूँ कि आपको ये कॉपी पे करना है ये बुक में फिल करना है तो आपको बिल्कुल वही करना है. ये नहीं कि आप पूरी बुक ही लिख दो. जो मैंने बुक में फिल करने के लिए बोला है वो आप बुक में फिल करिए. जो कॉपी पे करने के लिए बोला है वो कॉपी पे करिए. बहुत सारे बच्चे पूरी बुक ही लिख दे रहे हैं कॉपी पर. तो जितना बोला गया है बस उतना लिखिए. आप ध्यान से ये क्वेश्चन आंसर से ये आपके आंसर्स लिखे हुए हैं. क्वेश्चन आपको बुक से नोट डाउन करना है. आप इसको ध्यान से लिखिए और इसके बाद आपको बुक में फिल करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये आपको फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. टिक द करेक्ट आंसर ट्रू और फॉल्स है ये आपको बुक में फिल करना है. फर्स्ट जैसे देखिए आज आपके क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें कर लेंगे और कल की क्लास में हम इसके आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे. ये टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें जो ट्रू फॉल्स हैं और भी बुक में आगे की एक्सरसाइजेस हैं ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.